ऑल राइट, ये हमारा आदित्य एलवन है जो कि हमारे पृथ्वी के एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर और चौथे चक्कर के लगाने के बाद सीधा उड़ गया अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में चलते हुए सीधा इसरो के साइंटिस्ट ने उतार दिया है सूरज देवता के धरती पे। धरती क्यों बोल रहा हूँ, धरती तो पृथ्वी माता की होती है। एक तो आज तक मुझे समझ अभी तक ये नहीं आया कि इसरो साइंटिस्ट लोग इस आदित्य एलवन को सूरज देवता के धरती पे उतारेंगे कैसे। फिर मैंने धरती बोल दिया। हाँ हाँ पता है, सूरज के सतह पे नहीं जाएगा, दूर से ही निहारेगा, निहारिका। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर में आदित्य में लगे हुए जितने भी ऑपरेटर्स हैं सूर्य का सारा डाटा कैसे इकट्ठा करता है, उसकी साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है और कैसे इसरो के साइंटिस्ट के पास वो सारा डाटा भेजता है। उसको समझने के पहले मैं आपको दिखाना पड़ेगा कि सूरज देवता दिखते कैसे हैं। सूरज देवता ऐसे दिखते हैं। सूरज देवता निकल जाओ भाई। ओके गिर गया, उठाना जरा उड़िया। ओके धन्यवाद। और सूरज देवता को मैं जो है इस तरह से तैयार कर लूंगा, को मैं लाल कर देता हूँ। लाल अब सही है। अब ये क्या सूरज देव फिर रंग बदल दिए। चलो कोई नहीं, सूरज देवता रंग बदलना है। मान लो कि ये चंद्रमा जैसा दिखने वाला चीज ये चंद्रमा नहीं है बल्कि ये सूरज है। अरे मान लीजिए जैसे आप मानते हैं राम की उम्र क वर्ष है और श्याम की उम्र ख वर्ष है, उसी तरह से मान लीजिए कि ये चंद्रमा नहीं है सूरज है, ताकि हमको बताने में और आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो घबराइए नहीं, आपके लिए मैंने एक जुगाड़ लगा के लाया हूँ ताकि मैं आपको सूरज बना के भी दिखा सकता हूँ। ओके तो इस सूरज देवता को समझने के लिए आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको मेरा ये चीज़ दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है ताकि हम इस वीडियो में बताने वाले जितने भी शब्दावली हैं, टर्मिनोलॉजी है, आप उसको आसानी से समझ जाएं। उसके लिए हमको चाहिए थोड़ा एक वीकेंड में पानी है, उसके हम लगा देते हैं पीछे से काला का बैकग्राउंड ताकि आपको सूरज देवता अच्छे से दिखे। ओके इस तरह से हमारे पास आधा चम्मच इसमें से दूध डाल देना है। डालने के बाद आप इसमें देखेंगे कैसे सूरज की धरती पे यानी सूरज के सरफेस पे इस तरह से एक हवा चलती है, तूफान चलता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सन स्ट्रॉम। और अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा आकाश गंगा, जिसको बोलते हैं गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, सैमसंग गैलेक्सी। सूरज की जो डायनेमिक्स है वो क्या होता है कि नाच रहा है, घूम रहा है, पकड़ रहा है, उबल रहा है। और उसके जैसे कि आपने सोलर स्ट्रॉम देखा, इसमें से अगर एक चम्मच निकल करके कभी कभी सूरज के सरफेस से उड़ के चला जाता है बाहर, तो उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अगर वो पृथ्वी के पास जाएगा तो पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और मैंने आपको सूरज तो दिखाया ही नहीं। बीकर में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, पीछे आपने टॉर्च लगा रखा है, टॉर्च जल रहा है, और सामने से अगर आप देखेंगे इसको तो सूरज कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप रोज सूरज दिखाई देता है। ओके तो सेंटर में आप देख सकते हैं जो सेंटर में दिख रहा है उसको बोलते हैं कोर, और उसके बाद जो पीला पीला पार्ट जितना चमक रहा है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाद जो ये वाला लेयर है बाहर आपके पास, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ सन स्पॉट। आप देख सकते हैं कि जो फोटोस्फीयर है पीला वाला पार्ट, उसमें बीच बीच में कहीं जो है काले काले से धब्बे पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर अचानक से 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड जब कम हो जाता है तो वहां पे काला इस तरह से निशान बन जाता है, उसको बोलते हैं सोलर स्पॉट। और क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी मिस्ट्री कोई नहीं जानता है। शायद इसीलिए आदित्य एलवन को भेजा गया है। हमारा जो आदित्य एलवन पोजीशन पे गया है तो एलवन होता क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दो चीजें लाया हूं उसको, ताकि मैं आसानी से आपको समझा दूं कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये है पृथ्वी और ये है सूरज देवता। फिजिक्स में एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता है मास पे, जो जितना बड़ा है उसका एरिया उतना ही बड़ा, जो जितना छोटा है उसका इलाका उतना छोटा। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, वो कहता है भैया देखो इतना इलाका ये मेरा, और सूरज वाला कहता है कि ये मेरा, ठीक है। तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप यहाँ रखोगे तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी, कोई भी पृथ्वी यहाँ रखोगे तो सूरज अपने तरफ खींच लेगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमारा पेन पृथ्वी ने, पृथ्वी माता ने अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन कुछ बीच में कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जो न तेरा न मेरा, तो दोनों का बल जो है बराबर बराबर, दोनों का पावर और अधिकार बराबर बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो आदित्य एलवन गया है ये चार यहाँ पे जाकर के अटका पड़ा है। लेकिन इतना ही नहीं, एक चीज और डिपेंड करता है जो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड।
कि आदि तलवन होता क्या है और कैसे काम करता है, इसको समझाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास इसमें दो चीजें हैं, एक है मैग्नेट और ये है इसमें फेरोमैग्नेट, यानी लोहे का चूरा है इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके लिए हमने जो है हमारे पास दो मैग्नेट है, एक सूरज वाला मैग्नेट है, एक जो है हमारी पृथ्वी माता के लिए है कि हमने यहाँ पे पेपर रख दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे फेरोमैग्नेट। हमारे पास लोहे का चूरा है, ये सिंपल सा चीज हुआ है, ठीक है, और डालते रहिए तो देखिए होता क्या है। आप देखते हैं सूरज देवता का, आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक इस खास प्रकार की लाइन बन रही है, देख रहे हैं ना, ये लाइन जो है इधर से निकल के इधर जा रही है, इधर से निकल के इधर जा रही है, गोला गोला। उसी प्रकार से सूरज, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ भी आप ध्यान से देखेंगे कि एक खास प्रकार की लाइन बन रही है जो हमारे पास आगे से निकल के पीछे जा रही है। ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा कभी एक दूसरे को काटती नहीं, एक पैरेलल रेखा होती है जो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ और यहाँ से जो नॉर्थ निकल के साउथ की तरफ जाती रहती हैं, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि जो हमारा आदि तेलवन है वो जाकर के ऐसे जगह पे रुकेगा जहां पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बराबर हो या न के बराबर हो, तो वैसे जगह पे हमारा आदि तेलवन टिक पाएगा। तो हमारा जो पोजीशन जहां पे हमारा किसी का अधिकार नहीं है वहीं पे हमारा जो हमने ये निशान बनाया यहीं पे हमारा आदि तेलवन जाके टिके पाएगा। इसको बंद करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है इसी की वजह से पृथ्वी सूरज की देवता से आज आने वाले जितने भी फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनोलस मास इजेक्शंस होते हैं या फिर सोलर स्ट्रॉम होते हैं, इसी की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच जाते हैं हम सब, नहीं तो ये जो है पृथ्वी जो है झुलसने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा सूरज देवता की वजह से। इसका उदाहरण आपको देखा जा सकता है चंद्रमा पे, चंद्रमा भी दिखाता हूं आपको, ये है चंद्रमा, ओके। चंद्रमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे इसमें गड्ढे होते हैं, इस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर्स। चंद्रमा के सरफेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी की वजह से सब लोग जहां भी कॉमेट एस्ट्रॉइड जो भी आते हैं उसी पे गिरते हैं और वहां गड्ढे बना देते हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ओके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे हमारा आदि तेलवन पे लगे हुए सारे ऑपरेटर तो सूरज के उपस्थित चारों तरफ सारी जानकारी इकट्ठा कैसे करता है, इसमें कितने पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि बनारस से कोई इलाहाबाद कोई बस जा रही हो तो बस में कोई जगह खाली हो तो बनारस वाले कहें भैया मेरी एक गठरी रख दो, मेरा एक झोला रख दो, मेरा एक बोरा प्याज रखा है उसका रख दो, इलाहाबाद जा रहे पहुंचा देना, उसी को बोलते हैं पेलोड। जब हमारा आदि तेलवन बना है तो उसमें जितने भी जगह है उस जगह को भरने के लिए जो भी सामान रखा हुआ है, जैसे कि कुछ 7 प्रकार के ऑपरेटर्स इसमें रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं पेलोड। पहला पेलोड है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, तो VELC। ओके, तो जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है विजिबल, विजिबल मतलब ऐसी तरंग दैर्ध्य जो आंख से देखा जा सके, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रोनोग्राफी, क्रोनोग्राफी मतलब जो सूरज का जो कोरोना वाला पार्ट जो मैंने अभी आपके दूध वाले एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ओके, तो VELC काम कैसे करता है, तो उसको समझाने के लिए आपको चाहिए एक छोटा सा मिरर, ये क्या ये आपको इस तरह से मिरर चाहिए, मिरर को डाल दीजिए पानी में और पानी को जरा लाइट आपके बंद कीजिएगा जरा तो। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो है पानी लिया है, पानी में एक छोटा सा शीशा डाला है मिरर वाला, उसके ऊपर से हमने टार्च जलाया हुआ है और आप हमारे इस टार्च को, जो आप टार्च है हमारे हाथ में इसको आप सूरज समझ लीजिए, जो हमारे हाथ में शीशा है उस शीशा को आप जो है VELC समझ लीजिए, और ये जो हमारे सामने जो पर्दा है इस पर्दे को इसरो के साइंटिस्ट के पास कंप्यूटर में आया हुआ एक जो है स्पेक्ट्रम है, जो किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो है कि जो है रेड कलर दिख रहा होगा आपको सबसे ऊपर, और उसके बाद आएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद सबसे लास्ट में आ रहा है ब्लू कलर, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सूर्य के कोरोना में पाए जाने वाले जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम हैं उस स्पेक्ट्रम के आधार पे हम इसरो के साइंटिस्ट ये जान पाएंगे कि वहाँ की इंटेंसिटी कैसी है, डेंसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, और सबसे बड़ी चीज वहाँ का केमिकल कंपोजिशन कैसी है ये पता चल जाएगा। जो दूसरा पेलोड है उसको बोलते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो उसका काम यह है कि सूरज के बाहर जो कोरोना है और कोरोना के जस्ट बाद जो फोटोस्फीयर है दोनों के बीच के जो ट्रांजिशनिंग है वहां का जो भी डायनेमिक्स है,
जैसे कि वहां पे आने वाले सोलर स्टॉर्म और कोरोनल मास इजेक्शन, जो थोड़ा सा टुकड़ा निकल के बाहर जब आ जाता है उस दौरान वहां पे निकलती है सबसे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट किरणें। अगर वो अल्ट्रा वायलेट यहां से निकल करके यहां पे डिटेक्ट हुई और इसरो के साइंटिस्ट के पास ये पता चला, तो यहां के एक मैकेनिज्म पता चल जाएगा कि जब भी अल्ट्रा वायलेट रेज चेंज होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, तभी उसके बाद स्टॉर्म आते हैं, तभी उसके बाद जो है कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इस आधार पे ये जो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, इसके आधार पे साइंटिस्ट लोग ये जान पाएंगे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि कोरोनल मास इजेक्शन आने वाला है। कोरोनल मास इजेक्शन जब आ गया है तो उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पहले से प्रिकॉशन करके सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद करके ये सब वह सब उल्टा सीधा करके यहाँ उससे बचा जा सकता है। काम ये लगभग उसी तरीके से करता है जैसे मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम आपको करके बताया था। लेकिन इस चीज को समझने के लिए दो और जो है पेलोड की बात करते हैं, उसका नाम है सोलर लो एक्सरे, क्या हो गया इसको, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था, उसका वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है ये देखो तो जैसा कि इसका नाम है लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लो एनर्जी वाला। इसके अलावा एक है हाई एनर्जी वाला है, उसको बोलते हैं हाई एनर्जी L1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SOLEX सोलेक्स। और इसको और जो तीसरा वाला है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर HELIOS हेलियोस। अभी तीनों पेलोड का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, कैसे काम करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लो कि ये सूरज है, सूरज में सारे प्रकार के किरणें निकल रही हैं, यूवी लाइट निकल रहा है, एक्सरे लो एनर्जी एक्सरे हाई एनर्जी के निकल रहे हैं, निकलते हैं तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे आदित्य में जो डिटेक्टर लगे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं, लो एनर्जी हाई एनर्जी और यूवी लाइट। जैसे सूरज से निकला और सूरज के रास्ते में कोरोना में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के एटम मॉलिक्यूल्स जो भी हैं प्लाज्मा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, मान लो कि चलो कि सारे कीड़े यहां से आ रही हैं, ठीक है, रास्ते में जो भी इसके गैस मॉलिक्यूल यहां से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा कि यहां पे जितने भी आइटम्स हैं इसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करने का मतलब होता है कि यहां के इलेक्ट्रॉन को कहेंगे चल निकल, फुर्सत में निकल, इलेक्ट्रॉन को सारे बाहर निकाल देंगे। निकलने के बाद होता है क्या है कि जैसे कि मान लो कि चलो दिल्ली का किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो सब लोग दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, कोई बनारस से निकला, कोई इलाहाबाद से निकला, कोई कानपुर से निकला। निकलने के बाद चारों तरफ तितर बितर हुए, ये सब इलेक्ट्रॉन उसी तरह चारों तरफ तितर बितर हुए हैं, इकट्ठा नहीं है। उसके बाद रास्ते में लग गए पुलिस, पुलिस ने बोला कि सब लोग लाइन में लगा के आओ। लाइन में लगाने आने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ पे एक लगा दिया मेटल का राड, इस तरीके से मेटल का राड लगाने के बाद क्या होगा कि इस पे आप लगा दीजिए एक तार और तार को जोड़ दीजिए निगेटिव इलेक्ट्रोड से, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसके पाइप के अंदर जाएंगे और सेंटर में हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास इतना बड़ा गोला है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, चारों तरफ नाच रहे हैं, जैसे पुलिस डंडा लगाएगी सब लोग सेंटर में एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, दूर भागते हैं। अब इतना करने के बाद यहां पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और इस इलेक्ट्रोड को जोड़ दीजिए पॉजिटिव चार्ज से। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज इस पर लगाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे बहुत तेजी से इस इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है। अब ये क्या बन गया, बंदूक बन गया। इस बंदूक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, ढिचकियाओ, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा उसके बाद क्या होगा उसको समझाने के लिए, जैसे कि मान लो हमने यहां पर एक पाइप लगा दिया ये वाला, और यहाँ पर एक जो है छोटी सी ट्यूब होती है जो इस तरह से तिरछे कलर की हो, तिरछे में होती है, ठीक है। बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे लाइन बन के जा रहे हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी वाले होंगे यहाँ टकरा जाएंगे, जो हाई एनर्जी वाले होंगे या इस दीवार पे टकरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, फिर भी जो है अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे टकरा जाएगी, और जिसकी इंटेंसिटी न कि बहुत ज्यादा है न तो बहुत कम है वो सीधे निकल जाएगी। तो जो वैज्ञानिक है हमारे इसरो के साइंटिस्ट, उन्होंने तीन रीडिंग लेंगे, एक रीडिंग यहां से लेंगे, एक रीडिंग यहां से लेंगे और एक रीडिंग यहां से लेंगे। और ये रीडिंग लेने के बाद उनको पता चलेगा कि अगर हम उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे कि जहां पे इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि अगर हम यहां से अगर यूवी लाइट आ रहा है तो कहां टकराएगी, अगर लो एनर्जी वाला एक्सरे आ रहा है तो कहाँ टकराएगी, हाई एनर्जी वाला आ रहा है तो कहाँ टकराएगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी अगर मान लो यूवी लाइट वाला यहाँ है, तो लो एनर्जी वाला यहाँ, हाई एनर्जी वाला यहाँ है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन के इंटेंसिटी के आधार पर हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और इसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि सूरज के रास्ते में पाए जाने वाले जो भी प्लाज्मा है, जो भी आइटम है, मालिक्यूल है, उसका नेचर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये जो सबस्ट्रेट है रास्ते में जो पड़ता है, सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट किसका, तो सबस्ट्रेट तेरे बाप का, एनर्जी जो आ रही है यूवी लाइट एक्सरे वो किसका है, वो भी तेरे बाप का, और जलेगी भी किसकी, वो तो पृथ्वी के ही जलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पेलोड की जिसका नाम है पापा। कहाँ है पापा? पापा मेरे पापा कितने प्यारे प्यारे तुम, मम्मी मेरी मम्मी आंखों के हो तारे तुम। ओके, तो हमने जो चार आपको पेलोड बताए, ये क्या करता है कि दूर से ही काम करता है। अब हम आपको बताते हैं ऐसे पेलोड जो इस आदित्य एलेवन के पास में स्टडी करेगा, उसको पहला नाम है पापा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य, ये क्या करेगा, जैसा कि नाम पता चल रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि हमने इसके पहले एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में दिया हो जाके देख लीजिए, हम दोबारा बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको प्लाज्मा बना के दिखा देना चाहता हूँ। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा एक तरह से आयंस और एटम का ऐसा मिश्रण होता है जो ना तो सॉलिड में होता है, ना तो लिक्विड में होता है, ना तो गैस में होता है। उसको हम आपको अगर आपको प्लाज्मा घर में बनाना हो रियल वाला, तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए अंगूर। अंगूर को जो है आप इसको काट दीजिए दो बराबर बराबर भासों में, फिजिकल तरीके से उसको अलग मत कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए इसको अलग कर दिया है। ठीक है, हमने इसको अलग कर दिया है और हमने जो है तीन को हमने अलग कर लिया है, और इसके लिए आपको चाहिए माइक्रोवेव। आइए हम आपको माइक्रोवेव में करके दिखाते हैं। ओके, माइक्रोवेव में रखने से पहले आपको ये जो है चक्री जो अंदर रखा था इसको यहां से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि यहां और ये काम करने से पहले आप घर पे कभी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है, और मैं तो रिस्क ले रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे में हमारा ऑपरेटर्स भी खराब हो सकता है। हमने आपको तीन तरह से अंगूर इस तरह से बंद कर दीजिए और यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो लौ निकलती है, जो आप लौ देख रहे हैं, यही है इसका प्लाज्मा। प्लाज्मा का इस्तेमाल आजकल के घरों में जो है ट्यूबलाइट्स में, जो जितने भी जो है एलईडी लाइट होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और उस प्लाज्मा में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसका, जो सूरज में पाए जाने वाले प्लाज्मा का अगर हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके तो पूरे पृथ्वी का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो हमारा पापा है वहां के जो कि हमारा आदित्य है, आदित्य के आसपास की प्लाज्मा की एक्टिविटी क्या है उसको स्टडी करेगा। जो छठवां है पेलोड उसको बोलते हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX। अगला है ये, इसका काम क्या है, जैसा कि आपको पता चला कि ये सोलर विंड पे काम करेगा, कि जो आदित्य के चारों तरफ सोलर की जो हवाएं हैं उसके बारे में इसकी निगरानी करेगा, उसको स्टडी करेगा और उसके डाटा को भेजेगा हमारे इसरो के साइंटिस्ट के पास। तो अगला है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या होता है कि इसमें एक ऐसा अपरेटस लगा हुआ है जो सूरज से आने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को स्टडी करेगा, कि कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, क्या समय के अनुसार बदलता रहता है कि नहीं, उसके डायनेमिक्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो इस तरीके से जो है हम जो है हमारा वीडियो देखने के बाद अगर आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मिला जब मैं तेरे शरण में है आया। हे राम हे राम।